तो दोस्तों यार, यदि आप भी अपने स्नैपचैट के यूजर नेम को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो यार इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्नैपचैट का यूजर नेम 100% चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को इन तक जरूर देखेगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, यदि आप अपने स्नैपचैट का यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने स्नैपचैट का पासवर्ड पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख करके अपने स्नैपचैट का पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में एक प्रोफाइल का लोगो दिखाई देगा, आपको सिंपली इस लोगो पे क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे नीचे की साइड में आपका यहाँ पे यूजर नेम दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे इस यूजर नेम को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे कॉर्नर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेटिंग का लोगो या फिर आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे यूजर नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस यूजर नेम पे क्लिक कर देना है। और यूजर नेम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे चेंज यूजर नेम पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 90% लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके स्नैपचैट का यूजर नेम चेंज ही नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे स्नैपचैट के टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा है कि आप अपने स्नैपचैट के यूजर नेम को एक बार चेंज कर देते हैं तो आप 1 साल बाद ही उस यूजर नेम को दोबारा से चेंज कर पाएंगे। तो यार इसीलिए आपको सोच समझ के अपने स्नैपचैट के यूजर नेम को चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे की साइड में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जिसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम में चेंज कर लेना है। चलिए यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यदि आपको यहाँ पे चेंज करते समय आपके सामने इस तरह का एरर आ जाता है कि दिस यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह डालकर आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पे नंबर वगैरह डालेंगे तो आपको यहाँ पे आसानी से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये यूजर नेम ले लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग यूजर नेम ले लेता हूँ। एंड इना करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपली नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने वाले दोस्तों, आपसे यहाँ पे आपके स्नैपचैट का पासवर्ड पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे अपने स्नैपचैट के पासवर्ड को डाल देना है। एंड पासवर्ड को डालने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे की साइड में कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे की साइड में फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे स्नैपचैट का यूजर नेम चेंज हो चुका है। तो यार इस प्रकार से आप अपने स्नैपचैट के यूजर नेम को चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।